हेलो स्टूडेंट, जैसा कि आपने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था हॉरिजेंटल प्रोजेक्टाइल मोशन, उसी का पार्ट है प्रोजेक्टाइल मोशन का एक और टाइप है अपने पास एंगुलर प्रोजेक्टाइल मोशन। आज इस पर डिस्कस करते हैं। सभी को मालूम था जो प्रोजेक्टाइल मोशन है उसके लिए दो कंडीशन थी। फर्स्ट कंडीशन ये थी आपके पास जो हॉरिजेंटल डायरेक्शन है एक्स एक्सिस उसमें यूनिफॉर्म वेलोसिटी होती है, और वाई डायरेक्शन में वर्टिकल जो डायरेक्शन है उसमें यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होता है अंडर ग्रेविटी। अब डेली लाइफ में आप कहीं ना कहीं क्रिकेट देखते हो या खेलते हो, तो उसमें कंसीडर करते हैं यहाँ कि ये जो है अपने पास उस ग्राउंड की पिच है, यहाँ बैट्समैन है और यहाँ बॉलर है। जैसे ही बॉलर बॉल को डालता है और वैसे ही बैट्समैन क्या करता है, एक स्ट्रेट खेलता है एंगल के साथ। उसने क्या बनाया, एक एंगल बनाया है कुछ ना कुछ, तो उसमें जो मोशन आता है वो इस तरह का आता है, इस प्रकार से बॉल क्या आएगी, यहाँ आएगी। इस प्रकार के मोशन को ही क्या बोलते हैं, एंगुलर प्रोजेक्टाइल मोशन। क्या बोलते हैं, एंगुलर प्रोजेक्टाइल मोशन। जैसे फॉर एग्जांपल ये मैंने बिना एंगल बनाए इसको थ्रो किया, तो ये एक ही डायरेक्शन में क्या हुआ, नीचे की तरफ आ गए। लेकिन मैं इसको एंगल से थ्रो करता हूँ इस प्रकार से, तो इसका भी मोशन क्या है, इसी प्रकार से। इसी प्रकार के मोशन को ही क्या बोलते हैं, एंगुलर प्रोजेक्टाइल मोशन। अब कंसीडर करते हैं कि उसने इस एंगल से क्या किया है, उसको बॉल को हिट किया है, उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है वो क्या आ गई, u, क्या आ गई, u। इस u वेलोसिटी, वेलोसिटी कैसी क्वांटिटी, एक वेक्टर क्वांटिटी, इसको क्या करते हैं, रिजोल्व करते हैं इन टू कंपोनेंट। किस में करते हैं, टू कंपोनेंट में। एक कंपोनेंट तो किस डायरेक्शन में है, एक्स एक्सिस में है, एक कंपोनेंट किस में है, वाई एक्सिस में। तो इसके साथ एंगल बनता है, तो इसके साथ क्या आ गया, ये u cos थीटा, और इसके साथ क्या आ गया इस डायरेक्शन में, u sin थीटा। ये इसके इक्वली आएंगे वैसे, लेकिन हम मान के चलते हैं यहाँ। तो हमें निकालना क्या है, फर्स्ट तो वही है अपने पास टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट, इस बॉल को वापस ग्राउंड पे आने के लिए जो टाइम लगता है उसको ही क्या बोलते हैं, टाइम ऑफ फ्लाइट। जैसे बॉल हिट किया और हिट करने के बाद जब तक ग्राउंड पे आने के लिए जो टाइम लगता है उसी को क्या बोलते हैं, टाइम ऑफ फ्लाइट। तो यहाँ जो है इसको मान के चलते हैं होरिजन जीरो जीरो ओ सेंटर। इस पॉइंट पे जो भी पॉइंट मानना है आपने, मान लो पी मान लिया ये पॉइंट,
पी पॉइंट पे वाई एक्सिस का कितना कोऑर्डिनेट्स है, कोऑर्डिनेट्स नंबर कितना है वाई एक्सिस के अलोंग, कितना है जीरो है। वाई एक्सिस के अलोंग कितना है कोऑर्डिनेट्स है जीरो। तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ इन एस वाई, टाइम ऑफ फ्लाइट ऑलवेज किस में निकालना है हमें वाई एक्सिस में, पहले भी बताया था आपको पिछले लेक्चर। एस वाई कितना हो गया कोऑर्डिनेट्स जीरो। डिस्प्लेसमेंट आ गया, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है यू वाई, कितनी है वाई एक्सिस में कितनी है अपने पास, कितनी है यू साइन थीटा, कितनी है यू साइन थीटा। एक्सेलरेशन इन वाई डायरेक्शन क्या होता है अंडर ग्रेविटी, बॉल किस तरफ गई है ऊपर की तरफ, बॉल की डायरेक्शन किस तरफ है ऊपर की तरफ, और ग्रेविटी की डायरेक्शन किस तरफ है नीचे की तरफ, दोनों क्या हो गए अपोजिट डायरेक्शन में, दोनों क्या हो गए अपोजिट डायरेक्शन में, तो क्या आएगा माइनस का जी, क्या आएगा माइनस का जी। पुटिंग दिस वैल्यू दिस इक्वेशन एस वाई इक्वल यू वाई इंटू में टी प्लस हाफ ए वाई इंटू में टी स्क्वायर, एस वाई कितना है जीरो, यू वाई कितना है यू साइन थीटा इंटू में टी प्लस हाफ ए वाई कितना है माइनस का जी और साथ में क्या आ गया टी स्क्वायर। सेकंड जो टर्म है अपने पास इसको हम लेके आते हैं लेफ्ट हैंड साइड, तो क्या आ गया अपने पास हाफ जी टी स्क्वायर इक्वल यू साइन थीटा इंटू में टी, टी से टी कैंसिल, तो टी की वैल्यू क्या आ गई अपने पास टू, यहाँ शिफ्ट हुआ टू यू साइन थीटा अपॉन में जी, ये क्या आ गया अपने पास टाइम पीरियड, टाइम ऑफ फ्लाइट, क्या आ गया अपने पास टाइम ऑफ फ्लाइट। आगे देखो अब दूसरा क्या है यहां के लिए, ये क्या है इसकी मैक्सिमम हाइट, क्या ये मैक्सिमम हाइट, मैक्सिमम हाइट जो है h, फाइनल जो वेलोसिटी है वी वाई इसमें क्या है जीरो, फाइनल वेलोसिटी क्या है जीरो। डिस्प्लेसमेंट कितना है h, इनिशियल वेलोसिटी गिवन है अपने पास, तो फॉर्मूला लगता है अपने पास सेकंड क्या निकालना है मैक्सिमम हाइट, मैक्सिमम हाइट के लिए जो फॉर्मूला लगता है वी स्केयर माइनस यू स्केयर इक्वल टू ए वाई इंटू में एस वाई, वी स्केयर कितना हो गया जीरो और यू कितना है यू वाई यू साइन थीटा का स्केयर इक्वल टू ए वाई कितना है माइनस जी और एस वाई कितना है एच, तो माइनस से माइनस कैंसिल, तो एच आ गया अपने पास
यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में 2g, क्या आ गया अपॉन में 2g, ये जो आ गई अपने पास क्या आ गई हाइट, क्या आ गई हाइट आ गई। दूसरा आता है इसमें रेंज, क्या आता है रेंज, रेंज निकालते हैं एक्स एक्सिस के लोग। रेंज के लिए जो है रेंज क्या है अपने पास, जहां पे बॉल आपकी ड्रॉप हुई है लास्ट में और जहां से हिट किया था वहां से डिस्टेंस मालूम करेंगे, वो क्या हो गई रेंज। तो किसके लोंग है एक्स एक्सिस के लोंग, तो क्या हो गया आर यू एक्स कितना हो गया यू कोस थीटा और ए कितना है अपने पास यहाँ एक्सेलरेशन अलोंग एक्स एक्सिस कितना है 0 और टाइम अपने पास है ही, तो क्या हो गया इस वैल्यू में पुट करते हैं एस एक्स इक्वल यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स इंटू में टी स्क्वेयर। आर यू एक्स कितना है यू कॉस थीटा और टी कितना है 2u sin थीटा अपॉन में जी और ए एक्स कितना हो गया 0। यहाँ वैल्यू पुट करेंगे तो क्या हो गई ये टर्म तो अपने पास 0 हो गई, क्या हो गई 0। तो फॉर्मूला बन गया अपने पास 2 sin a cos a, तो क्या हो गया आर इक्वल एक यू ये एक यू तो यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन में जी, ये क्या आ गई रेंज, क्या आ गई रेंज। मैक्सिमम रेंज कब होगी, मैक्सिमम यू कांस्टेंट है जी कांस्टेंट तो साइन 2 थीटा पे डिपेंड करता है, जब साइन 2 थीटा की वैल्यू क्या हो अपने पास 1 और 1 कब रह सकती है जब ये क्या हो 90, कितना होना चाहिए साइन 90, साइन से साइन कैंसिल तो 2 थीटा इक्वल क्या आ गया 90 डिग्री और थीटा आ गया अपने पास 45 डिग्री। मैक्सिमम जो रेंज है मैक्सिमम रेंज वो किस पे होगी 45 डिग्री। अब दूसरा एंगल फाइंड आउट करना, मान लो ये है अपने पास थीटा, दूसरा एंगल फाइंड आउट करना है कि हम किस एंगल से थ्रो करें कि अपने पास ऑब्जेक्ट वापस यही आना चाहिए, दूसरा एंगल होना चाहिए डिफरेंट। तो क्वाड्रेंट पढ़े थे हमने, फर्स्ट में ऑल पॉजिटिव, सेकंड में साइन थीटा और कोसेकेंट थीटा, टैन कोट और कॉस और सेकेंट थीटा। यदि हम इसको 90 माइनस थीटा से थ्रो करते हैं, किससे करते हैं 90 माइनस थीटा से, तो देखो यहाँ आर डैश थीटा क्या रखा है हमने यू स्क्वायर साइन 90 माइनस में थीटा अपॉन में जी, तो आर डैश क्या आ गया अपने पास
यू स्क्वायर साइन और टू को अंदर मल्टीप्लाई किया 180 माइनस टू थीटा अपॉन में जे। कौन से क्वाड्रेंट में हो गया ये? सेकंड में। और सेकंड में साइन क्या होता है? पॉजिटिव। जब हम 180 माइनस में थीटा करते हैं तो साइन करते हैं तो क्या आएगा? साइन ही आएगा थीटा। कॉस करते हैं तो कॉस आएगा। यदि 90 माइनस थीटा करते हैं तो साइन किस में चेंज होता है? कॉस में। लेकिन 180 करते हैं तो क्या रहेगा? साइन ही रहेगा। तो आर डैश किसके इक्वल आ गया? यू स्क्वायर साइन टू थीटा अपॉन में जी इक्वल आर। यदि हम 90 माइनस थीटा करते हैं तो रेंज क्या आती है? सेम आती है। तो रेंज क्या आती है? सेम। आगे देखते हैं पाथ, इक्वेशन निकालते हैं हम पाथ के। तो यहां देखो हम पाथ के लिए क्या होता है? वाई इक्वल जो एक्स के साथ कुछ ना कुछ रिलेशन होता है। ये जो रिलेशन है ये किसका है? स्ट्रेट लाइन। किसका है? स्ट्रेट लाइन। तो हमें किसका निकालना है? इसका। तो आर क्या है अपने पास? यू एक्स टी। क्या है? यू एक्स टी। तो यहाँ जो t की वैल्यू है अपने पास, t की वैल्यू क्या आ गई भाई? इसको क्या मान लेते हैं? जो sy था इसको क्या मान लेते हैं? y। तो क्या हो गया अपने पास? y आ गया। क्या था uy? क्या था अपने पास? u sin थीटा। और t क्या आ गया? x अपॉन में यू एक्स। यू एक्स क्या हो गया? u cos थीटा। u से u कैंसिल, प्लस हाफ ए वाई इंटू टी स्क्वेयर। टी स्क्वेयर का मतलब क्या है? x अपॉन में t क्या आ गया अपने पास? x अपॉन में यू एक्स। तो क्या आ गया अपने पास? x अपॉन में यू एक्स का स्क्वेयर। तो y आ गया साइन थीटा अपॉन में कोस थीटा टेन थीटा और इंटू में x, प्लस हाफ ए वाई एक्स स्क्वेयर अपॉन में यू एक्स का स्क्वेयर। तो इस तरफ क्या है? पावर वन। इस तरफ पावर वन, यहाँ क्या है? टू। ऐसी इक्वेशन क्या होती है? पैराबोला। किसकी होती है? पैराबोला। जब एक पे तो क्या हो? पावर वन हो, चाहे एक्स एक्सिस के ऊपर हो चाहे वाई एक्सिस पे, लेकिन दूसरे के ऊपर पावर कितनी होनी चाहिए? टू। तो ऐसी इक्वेशन किसकी बनती है? पैराबोला की। किसकी बनती है? पैराबोला। थैंक यू।